शहर में खाए रहता है। हजार दफा मैंने समझा दिया है, ये दोनों भाभियां नहीं सुधरने वाली हैं। इनके पीछे अपने आप को परेशान करना छोड़ दे, सुनती हैं किसी की? किसी की नहीं सुनती। बदतमीजी भी तो इतनी करती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अरे तो इसका हल क्या है? कोई तो हल होगा ना इसका, सफर तो हम कर रहे हैं। जरबा भाई बेचारे बस सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। उनका दिल ही नहीं लग रहा है घर में, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। और मैं उनकी क्या बात करूं, हमें नहीं अच्छा लग रहा। मैं कितना मिस कर रही हूँ बच्चों को। पक्की शैतान है ये किरण, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। आप ही क्या हुआ है, क्यों रो रही है? नहीं, वो थोड़ी रही। पर प्लीज मत छुपाएं, प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। प्रॉमिस करो मम्मी को कुछ नहीं बताओगी? नहीं बता रही मैं किसी को, आप मुझे तो बताएं हुआ क्या है। क्या कह रही हैं आप? मुझे मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा है। हाँ नवी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सुहेब की शादी के दौरान यावर और उसकी अम्मी के इर्द गिर्द घूम रही थी। लड़की के घर वालों की अवगत करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को हो क्या गया है। अबे मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो गया इनको। कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, अब पैसों के ज्यादा जायदाद की डिमांड कर रहे हैं। और कह रहे थे कि जुएब की शादी में किसी ने हमें पूछा नहीं, सही से दावतनामा भी नहीं दिया। इस घर में दामाद की कोई इज्जत नहीं है, अजीब बातें कर रहे हैं वो। हो क्या गया उन्हें? या अल्लाह, ऐसा तो कभी भी पहले नहीं हुआ, ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप लोगों के गलत फैसलों की वजह से हुआ है। ना आप बहुओं को इतने पैसे देते, ना ही लोग बातें करते। लोग बातें इसीलिए कर रहे हैं। इतने सालों में क्या कभी उन्होंने कोई बात की? आज देखे पैसों के साथ से जायदाद की भी डिमांड कर दी उन्होंने। देखो कुछ बेवकूफ को समझ ही नहीं आई उसकी चलाकियां। क्या किया उसने, कान भर दिए ना यावर के। अल्लाह माफ करे, ये तो बहुत फितना लड़की है। मुझे तो दुख यावर पर है, उसकी बातों में आई है क्यों?